मेरा नाम मोहम्मदी बेगम है। मेरे वालिद का नाम शेख मकबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नीट 2020 में 541 आउट ऑफ 720 मार्क्स हासिल किया है और मुझे शादान मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट हासिल हुई है। मैंने अपना स्कूल गवर्नमेंट सिटी मॉडल से कंप्लीट किया है। मैंने वहाँ पे से 9.5 GPA हासिल किया। उसके बाद मुझे डॉक्टर बनना था, मेरी डिज़ायर थी, लेकिन उसके लिए नीट क्रैक करना ज़रूरी था। बट फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से मैं एक अच्छे कोचिंग सेंटर में जा नहीं सकी। मेरे को गवर्नमेंट MAM जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। उसके बाद मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया और इंटर में अल्हम्दुलिल्लाह 97.6% हासिल किया। उसके बाद मैं कोई और को डिग्री ले सकती थी, लेकिन मेरे को MBBS करना बहुत बहुत बचपन से ख्वाहिश थी। तो मैंने अपना 2019 से लेकर 20 तक के साल को इस्तेमाल किया ताकि मैं 2020 क्रैक कर सकूँ एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में। मेरे अम्मी पापा ने अपने जुस्तजू से और मेरे टीचर्स की मदद से मैंने कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया और एक साल मैंने कोचिंग हासिल की और 2020 में फ्री सीट हासिल कर ली। मेरे पापा ऑटो ड्राइवर है और मेरे को 4 बहना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4 बहना है, बच्चियां हैं, लेकिन चारों को भी एक हिसाब से अच्छी तरबियत भी मिली अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी तालीम भी हासिल कर रहे हैं हम लोग। मेरे 3 बहना अभी पढ़ रहे हैं। मेरे को अकेली को बोल के नहीं, मेरे अम्मी पापा मेरे 3 बहनों को भी उतना ही सपोर्ट करते। तो बच्ची हो या बच्चा हो, अगर उन लोगों को मौका मिला, सपोर्ट मिला, फैमिली सपोर्ट मिला तो आगे बढ़ सकते। मेरे अम्मी पापा मेरे को हर स्टेप पे स्कूल से लेके कोचिंग हमेशा हेल्प करे और इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में भी उन लोग मेरी मदद करते रहते हमेशा, क्योंकि माँ बाप है हर स्टेप में रहते। इंशाल्लाह मैं 5 साल के बाद डॉक्टर बनूंगी और MD भी करूंगी इंशाल्लाह। और एक अपील है मेरी हर बच्ची से, अगर वो कुछ चाहती करना, अगर तो बच्चियों को रोकिए मत। अगर वो करना चाह रहे तो उन लोगों को फैमिली सपोर्ट 100% दीजिए। फैमिली के साथ साथ अगर आप लोगों का सपोर्ट करें तो बच्ची को जरिए कहीं से कहीं मिलते, क्योंकि मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ जहाँ की, क्योंकि मैं फाइनेंशियली रुकती थी लेकिन मेरे को मॉरल सपोर्ट मिला कि अगर तुम करना चाह रहे तो फाइनेंशियली सपोर्ट अल्लाह दिखाने वाले हैं, और मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह मिली। तो मैं हर बच्ची जो गरीब है ऐसा सोचते नहीं पढ़ा सकते, पैसे नहीं होते अपन से, बल्कि ऐसा मत सोचिए, कोशिश करिए। अगर पढ़े तो उसमें 100% पूरी अपनी कॉन्फिडेंट डाल दो, 100% वर्क डाल दो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा बनता अपना और अपन को मदद करने के लिए हर कोई हासिल रहता। और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूँगी, मैं एक चादर घाट मूसा नगर ऐसे इलाके में रहती हूँ जहाँ पे बहुत शायद पढ़ते, लेकिन मैं भी अब अल्लाह के फजल से MBBS में मेरे को सीट हासिल हुई। ऐसे बहुत बच्चियाँ हैं जो पढ़ रहे लेकिन फाइनेंशियली रुक जाने की वजह से 10th इंटर करके घर में बैठ जाते हैं, उन लोगों की ख्वाहिश रहे तो भी ख़त्म कर देते। तो अगर गवर्नमेंट वैसे बच्चियों को हेल्प करी फाइनेंशियली तो तेलंगाना स्टेट के हर एक बच्ची एक डॉक्टर, इंजीनियर, जो लोग बनना चाहते बन के दिखाते। तो एक ग्रेट अपील है गवर्नमेंट से कि अगर कोई बच्ची बनना चाह रही है, उसकी डिज़ायर है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाए, मौका दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए, ताकि बच्ची भी बच्चे के बराबर चल के एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक नेशन के लिए हेल्प करने के, नेशन को सर्व करने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकें।